आचार्य जी, 164वीं रामलीला है ये, और जो आज राम बरात है वो भी 164वीं है, इसके विषय में कुछ खास बातें हो तो बताएं। हाँ जी, ये मौला बमनपुरी, इसे ब्राह्मणपुरी कहा जाता था, अपरंत होकर पहले ब्रह्मपुरी कहा गया, बमनपुरी कहा जाता है जी। 1861 से अनवरत रूप से ये आज के दिन होली के दिन राम बरात निकलती है। यहाँ के ब्राह्मण बड़े बड़े दिग्गज विद्वान थे, उनकी मान्यता थी इन्हीं दिनों रावण मारा गया था, इसीलिए इन्हीं दिनों यहाँ ये राम बरात निकलती है और बमनपुरी में रामलीला होती है। और जाओ जे राम बरात में होली के उजियारे हजारों की तादाद में भाग लेते हैं। पूरे बरेली शहर में जो रामलीला चार थाना क्षेत्रों से होकर गुजरती है, कोतवाली के बाद बारादरी, बारादरी के बाद किला, किला होकर फिर अपने गठन में शाम को 5-6 बजे वापस आती है। इसमें हजारों होली के उजियारे छोटे बड़े अभी रंग गुलाल पिचकारियों में बड़ी बड़ी में होली खेलते हुए जाते हैं। ये एक अद्भुत आनंद की प्राप्ति होती है। यहाँ तक कि मुस्लिम समुदाय भी कई जगह फूलों की बारिश करते हैं। ये सद्भावना का त्यौहार है। अब जो है काफ़ी चेंज हो रहा है, पहले तो खुद ही लोग मोहल्ले के लोग करते थे, अब जो है अयोध्या से रामलीला की मंडली आती है वो करती है रामलीला। और जो इसका बड़ा विश्व में एकमात्र रामलीला है, जो पूरे देश में नहीं पूरी दुनिया में एकमात्र रामलीला है जो इन दिनों राम बरात से निकलती है या और यहाँ रामलीला होती है। कर्म मरता में एक रात पुत्रों का दहन होता है, फिर राजगद्दी निकाली जाती है, इसका पूरे शहर में स्वागत सम्मान आती है। खुशी कैसी खुशी है इस बार? इस बार तो और ज्यादा खुशी है, और पिछले साल भी खुशी थी क्योंकि योगी जी की सरकार आई थी। जैसे राम की गूंज लगातार तेज हो रही है बरेली में ही नहीं पूरे प्रदेश में और देश में। जय जय।